क्वेश्चन है, ऐसी प्रॉब्लम हमने फोर्थ चैप्टर में की थी। डायग्राम में अगर आपको याद हो, वॉल आती थी, बॉल टक्कर मार के जाती थी, एवरेज फोर्स निकालो दीवार पे क्या लगेगी, तो मोमेंटम के कंपोनेंट्स बनाते थे। इसमें सेम ही क्वेश्चन है, मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गिवन है, एक मॉलिक्यूल का मास दे रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रहे हैं एक सेकेंड में जो टक्कर मारते जा रहे हैं दीवार को, फिक्स्ड वॉल एरिया दे रहे हैं, 45 डिग्री पे हिट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि, और स्पीड दे रहे हैं आपको भी, प्रेशर बताओ दीवार पे कितना है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, एरिया दीवार का गिवन है, तो क्या निकालनी है? फोर्स। फोर्स निकालने का तरीका, एक मॉलिक्यूल ले लो, एक मॉलिक्यूल आया एम वी, टक्कर मार के गया एम वी, 45 पे हमने फोर्थ चैप्टर में फोर्स निकाली थी। कैसे? एम वी को इधर ले जाओ, इनिशियल मोमेंटम, इसके दो कॉम्पोनेंट हैं, एम वी कॉस 45, एम वी साइन 45। फाइनल मोमेंटम के भी दो कॉम्पोनेंट हैं, एम वी कॉस, एम वी साइन। तो ये और ये मोमेंटम जो माइनस होगा, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें और इसमें चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, 2 mv cos 45। टाइम इसमें 1 सेकेंड है। तो ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब ये एक मॉलिक्यूल का आया, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एन मॉलिक्यूल्स हैं, तो एन से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, टोटल फोर्स आ गई। तो आपको इसमें एम पता है, टाइम पता है, एन पता है, कॉस 45 पता है, फोर्स आ गई। फोर्स आ गई, उस फोर्स को सीधा एरिया से डिवाइड कर लिया, तो क्या आ गया? प्रेशर आ गया। मतलब उसने वो बॉल की जगह, बॉल की कोलिजन की जगह मॉलिक्यूल्स की कोलिजन दे दी, बाकी सब सेम है। टाइम पर सेकेंड है, हर चीज पर सेकेंड चल रही है, वो कह रहे, ठीक। द वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट टू द थर्मल वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम, थर्मल वेलोसिटी निकालनी है एट टेम्परेचर गिवन। तो क्लोजेस्ट टू थर्मल वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम, कुछ क्वेश्चन सब बना नहीं सही तरीके से, अजीब सा है। छोड़ दो,